जल्द दिया है 18 सितंबर 2020 को, और हम लोग तब से दर दर की ठोकर, कभी प्रयागराज में कभी लखनऊ की सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि हमारा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसी उम्मीद से, इसी भरोसे से अनशन पर बैठे हैं कि जब तक नियुक्ति पत्र को लेकर और पोर्टल को लेकर एक स्पष्ट जो है लिखित प्रमाण पत्र या कोई ऐसा आश्वासन जिससे हम सभी प्रतियोगी छात्र संतुष्ट हो जाएं, उससे पहले यहां से हिलने वाले नहीं है। इस मामले को लेकर हम लोग लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से भी मिले हैं, और अगला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि ये 3287 लोगों के जिंदगी का सवाल है, इनका फैसला करिए, इंसाफ करिए, हमको नियुक्ति पत्र दीजिए, हम भी अपने अपने घरों में जाएं, बेरोजगारी के कलंक से मुक्ति मिले। बहुत परेशान है मेरे भाई, दर दर की ठोकर खा के बेसहारा हो चुके हैं, एक नौकरी की तलाश है, एक नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार से भीख में नहीं मांग रहे हैं। हमने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आई है, उसमें हमारा चयन हुआ है, लेकिन हम 10 महीने से दर बदर भटक रहे हैं। ये इंसाफ अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी दरबार में जाएंगे और अपने इंसाफ की गुहार लगाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हमको नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा।